एक चीज आपने नोटिस किया होगा, टीजर में भी गाली थी और अभी भी नोटिस किया होगा कि आपके एक्शन और रोमांस से ज्यादा आपकी गाली पे सीटी बजी थी सर। तो मेरा सवाल ये था, खैर फिल्म में तो गालियां मनोरंजन के लिए डाला गया है, पर आपका रियल लाइफ में गाली से कैसा एक्सपीरियंस है? आखिर आपकी नजरों में गाली है क्या और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है सर? बेटा PhD करना पड़ेगा ये सवाल में। गाली के ऊपर आज तक PhD का ऐसा कहीं पे भी सिलेबस में है नहीं, सिर्फ कबीर सिंह के सिलेबस में हो। नो बट मैंने इसलिए शुरुआत में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी फिल्म की, मैंने यही कहा था कि प्लीज़ आप फिल्म की जो सोल है, फिल्म की जो लव स्टोरी है और जो कैरेक्टर का पेन है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 2-2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर फिल्म की कहानी, और क्योंकि ये टाइटल रोल है इसलिए कैरेक्टर का एटीट्यूड, क्योंकि आप कबीर सिंह को देखने आ रहे हैं, सो यू वुड नीड टू नो कि कबीर सिंह है कौन, मैं 2-2.5 घंटे उसको झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, मुझे एंटरटेन करेगा, मुझे रुलाएगा, मुझे हंसाएगा, क्या करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कबीर सिंह एंड द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने ओरिजिनल भी देखी थी इसकी, एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म है अर्जुन रेड्डी जो काफ़ी सिमिलर फिल्म है, तो अगर आप वो देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये 2.5 मिनट के अंदर इतना ही समझा सकते हैं हम लोगों को, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे 2.5 घंटे की, यू विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर एंड होपफुली यू विल कम अवे विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज द लव स्टोरी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी ऑनेस्ट। येस द कैरेक्टर हैज़ अ क्रेजी एटीट्यूड एंड येस दैट्स एक्साइटिंग, बट द फिल्म इज नॉट जस्ट एक्साइटिंग, देयर इज अ लॉट मोर टू इट। बहुत मुबारक आपको, बहुत बेहतरीन ट्रेलर, वी जस्ट लव्ड इट। और बहुत बार जिक्र करा गया ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल। लगता है जब हम आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन, दिखता है कि हाँ टूटा हुआ। अच्छा मुझे लगा अच्छा ऑन स्क्रीन बोल रहा है, ऑफ स्क्रीन जब हम आपको देखते हैं बड़ा टूटा हुआ। नहीं नहीं, यू आर फुल ऑफ लाइफ, वी लव यू। थैंक्स बॉय। सी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट डूइंग अ रीमेक, स्पेशली जब आप सेम फिल्म मेकर के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, तो वो एक बार वो फिल्म बना चुके हैं और जो फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन होती है, जैसे टाइटल रोल है और वो कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी जो है और उसकी लव स्टोरी जो है प्रीति कैरेक्टर के साथ, वो ही पूरी फिल्म है, उसकी इमोशनैलिटी और उसका इमोशनल आर्क ही फिल्म है। माय क्वेश्चन इज एडिंग इट टू हर, कि कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सनल लाइफ के भी इवेंट से एक प्रेरणा ली टू यू नो प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट? नहीं, मैंने सिर्फ संदीप की पर्सनल लाइफ से प्रेरणा ली है। ओके कियारा जी, सवाल ये है कि टीजर में हमने देखा था कि शाहिद जी आपको डिफरेंट अंदाज में किस करते हैं, आपका कोई रिएक्शन नहीं? अरे तेरे बहुत टाइम से क्या कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने बताया ना कि पैसा उसी का है, पैसा उसी का है आपने बताया ना? मैंने बोला अगर देखना है तो पैसा देना पड़ेगा। कियारा जी उसी का है नहीं बोला, वो तूने समझा ऐसा, तेरे मन में वही अटका। कियारा जी अरे पप्पी छोड़ के कोई और सवाल पूछे, एक्टिंग वैक्टिंग भी की इस पिक्चर के अंदर लोगों ने। एक्टिंग तो हमें दिख रही है, एक्टिंग तो हमें दिख रही है ना, वो तो हिट होने वाली है। The trailer looks amazing. You've got compliments from everywhere. We got to know that Prabhas even called and had a word with you and praised it. So, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या कहा उन्होंने? No, actually, me and Prabhas, we get our hair cut from Alim, and Alim was with him, and I think the teaser had just come out, and Alim called me. I actually missed a couple of his calls, and then I've called him back. So he said that you know I'm with Prabhas and I'm giving him a haircut, and he wants to speak to you. And then he spoke to me, and he was very kind. He said that he really, really enjoyed the trailer and he was happy to see that it's you know it has fresh energy and it's not looking like a copy paste of the original, and I was super happy. I mean it made my day because I love to see him on screen, and it was very kind of him to reach out like that and appreciate the film. Also you know he is closer to the world that Sandeep has been from, so to get acceptance from somebody like him, because this film is fundamentally for the North audience, you know, of course it is for everybody, but because we have made it in Hindi, the target audience has to be that. But to get appreciation from Prabhas was very encouraging, because we hope and we pray that the people who have loved Arjun Reddy will also give the same love to this film, because you know what they loved is what we've tried to recreate, we've not tried to take away from that at all. Using anger as a tool is not wrong. Arjun Reddy had a very it was problematic when it comes to the way he reacts, treats the woman, you know, he goes and slaps her, and the way she slaps him also. Yeah, but you notice that? No, she slaps him first. But there is more aggression for that. There is more aggression when it comes to Arjun Reddy showing it towards a woman. So what do you have to say about it, and have you all tried to not do it in this film because of the whole because of the whole you know
things are changing, so even the films should evolve. So if you have to say something about that. How should films evolve? What is your interpretation of films evolving? If you can to always show the right thing. Okay. I've done a film called Jab We Met. Yes. Who was the aggressive character in the film? Okay. I played the submissive character in the film. I've done a film called Padmavat. I was playing the much more quieter, internalized character in the film. And then I've done a film called Kabir Singh, where I'm playing the aggressive character in the film. But what about... Yeah. All right, so we'll just take a question from here. No, Poochna Chahe. Yes. Sorry? Baba, we have all been in college. In college, there are alpha males. There are men who feel that they have a sense of territorial ownership over a certain place. And there are other men who are not so aggressive in their behavior. Some films depict those kind of characters. This film depicts this kind of character. You see the film, no, you see what happens to him. You remember Tommy Singh? Tommy Singh does much worse things than Kabir Singh does, actually, in my understanding. I mean, he's singing a song in his introduction, you know about what? You know, so it's not, if I start justifying characters, I can't be an actor. I have to play characters for their good and for their bad. I have to represent them honestly. That's what acting is about. Otherwise, I'm just, I'm just wanting people to like me. That's what stardom is about. Acting is about being honest, letting people dislike you sometimes. It's okay. It's important.